भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, प्यारे उद्धव, जो कुछ इस जगत में मन से सोचा जाता है, मुख से बोला जाता है और अन्य इंद्रियों से जिस किसी वस्तु का अनुभव होता है, वह सब नाशवान है। वह किसी स्वप्न की तरह मन का ही बनाया माया जाल है, असत्य है। मेरी यह बात समझ लो कि जिस भी मनुष्य की बुद्धि में कर्मों के गुण और दोषों का भेद घर किया हुआ है, वह संसार रूपी माया जाल के भ्रम में उलझा है। उसकी भेद दृष्टि पहले तो कर्म और कर्म करने वालों को सत्कर्म करने, कोई कर्म ना करने और बुरे कर्म करने, इन तीन विभागों में बांट देती है, मित्र उद्धव। जबकि वास्तविकता ये है कि यह संसार उस जादूगर के खेल की तरह है, जो हमें उतने समय तक, जितने समय तक जादू चले, भावनात्मक रूप से अपने से जोड़े रखता है, परंतु जैसे ही खेल खत्म, सब भावनाएं भी खत्म। इसलिए हे उद्धव, तुम पहले अपनी सब इंद्रियों को नियंत्रित करके वश में करो, साथ ही मन को भी विचलित होने से रोको। फिर ऐसा अनुभव करो कि इस सारे संसार का विस्तार हमारी अंतरात्मा में है और वह आत्मा कोई और नहीं, स्वयं मेरा स्वरूप है। जिस प्रकार एक लोटा जल को समुद्र में मिला दो तो जल में भेद करना संभव नहीं कि कौन सा लोटे का है और कौन सा समुद्र का, उसी प्रकार जब तुम अपनी आत्मा को अनुभव करने में ही आनंद मगन रहोगे, तब तुम ही समस्त देवताओं और शरीरधारियों की भी आत्मा हो जाओगे। फिर संसार में कोई विघ्न तुम्हारे आड़े नहीं आ पाएगा, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जिस मनुष्य ने वेद पुराणों में वर्णित ज्ञान को न केवल समझा है बल्कि जीवन में भी उतारा है, वह किसी भी प्राणी में भेद दृष्टि नहीं रखता और उसका मन सर्वदा शांत रहता है। वह समस्त ब्रह्मांड और इसमें बसने वाले एक एक प्राणी, ग्रह नक्षत्र, पहाड़, नदी और जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, अपनी आत्मा के रूप में देखता है। इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुन उद्धव जी बोले, मेरे प्रभु, इस सृष्टि में समस्त योगों और योगियों की सबसे बड़ी पूंजी आप हैं। आपने मेरे कल्याण के विषय में विचार करके मुझे संन्यास का उपदेश दिया, परंतु प्रभु, जो लोग सांसारिक साधनों संसाधनों और पारिवारिक बंधनों में अत्यधिक घुल गए हैं, उनके लिए तो विषय भोगों और कामनाओं का त्याग कर पाना अत्यंत कठिन है। उस पर भी वे लोग जो आपसे विमुख हैं और आपको कुछ मानते ही नहीं, उनके लिए तो इन बंधनों का त्याग करना असंभव है। सच कहूं तो प्रभु, मैं भी सांसारिक माया मोह में गले तक डूबा हुआ हूं। इसलिए प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आपने जो सन्यास का उपदेश किया है, उसे विस्तार से मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। यह इतिहास परम तेजस्वी दत्तात्रेय जी और राजा यदु के संवाद के रूप में जाना जाता है। एक बार की बात है, राजा यदु ने देखा कि त्रिकालदर्शी दत्तात्रेय जी निर्भय संसार में विचरण कर रहे हैं। जब राजा यदु ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप संसार में अकर्मा रूप से विचरण करते हैं, आप पुत्र पुत्री धन आदि और संसार के स्पर्श से भी रहित हैं, आप सदा सर्वदा केवल अपने ही स्वरूप में स्थिर रहते हैं और परम विद्वान होने पर भी सदा सर्वदा बालक के समान विचरण करते हैं। संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो लोग अक्सर धन, आयु, पहचान, सौंदर्य और संपत्ति की अभिलाषा पालकर ईश्वर की भक्ति में लगते हैं, परंतु आपका तो इन सब से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं, फिर भी आपकी धर्म कर्म की विद्वता का कोई सानी नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा में तल्लीन रहकर परमात्मा का अनुभव कैसे करते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। अब मैं आपको उन गुरुओं के नाम
और उनसे क्या सीख मिलती है, इसके बारे में बताता हूँ। मेरी सबसे पहली गुरु है यह पृथ्वी, और पृथ्वी से मुझे धैर्य और क्षमा की शिक्षा मिलती है। लोग पृथ्वी पर न जाने कितने आघात और उत्पात करते हैं, परंतु पृथ्वी ना तो रोती चिल्लाती है और ना ही किसी से बदला लेती है। संसार में सभी प्राणी अपने प्रारब्ध या कहें भाग्य अनुसार प्रयास करते हैं, और इन प्रयासों के चलते वे दूसरे लोगों का बुरा भी कर बैठते हैं। धैर्यवान मनुष्य को चाहिए कि वह प्रारब्ध निर्मित उनकी विवशता को समझे और ना तो अपना संयम खोए और ना ही क्रोध करे। पृथ्वी से ही उपलब्ध पर्वत और वृक्षों से मैंने यह शिक्षा ली है, उनका हर प्रयास केवल और केवल दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए ही होता है, बल्कि यह कहना भी गलत नहीं कि उनका जन्म दूसरों के लिए ही हुआ है। इसलिए उनसे परोपकार की शिक्षा लेनी चाहिए। मेरी अगली गुरु है शरीर के भीतर रहने वाली प्राणवायु, क्योंकि हर शरीर के प्राणवायु की उपभोग की सीमा उतनी ही है जितने में सांस चलती रहे। वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि जितने में जीवन निर्वाह हो जाए उतने में ही अपने आप को संतुष्ट रखे, क्योंकि ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, और जिनकी इंद्रियां अतृप्त रहती हैं या कहें जो लोग बहुत ज्यादा की चाह रखते हैं, उन अनियंत्रित इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे अपनी बुद्धि को विवेकहीन, मन को लालच और वाणी को झूठ और आडंबर में उलझा लेते हैं। शरीर के बाहर रहने वाली वायु भी मेरी गुरु है। उससे मुझे सीख मिलती है कि जैसे वायु संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करती रहती है, परंतु वह किसी भी आसक्ति में कहीं रुकती नहीं। किसी भी गंध एवं दुर्गंध को शायद कुछ दूर ले चले, परंतु उसे कभी अपनाती नहीं। वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि भले ही वह देश और काल के अनुरूप आवश्यकता अनुसार धर्म और कर्मों में उलझे, परंतु अपने उद्देश्य में स्थिर रहकर किसी के गुण और दोषों में उलझकर ना रह जाए, ना तो किसी से आसक्ति और ना ही किसी से बैर पाले। सुगंध या दुर्गंध वायु का गुण दोष नहीं बल्कि पृथ्वी से उत्पन्न है, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान वे बहती तो वायु के साथ ही हैं, परंतु ऐसा करने पर भी वायु तो शुद्ध ही रहती है, उससे उस गंध का संबंध कुछ दूर तक ही रहता है। उसी प्रकार मनुष्य का संबंध इस शरीर से उत्पन्न सुख दुख भूख प्यास रोग का तब तक ही होता है जब तक उसकी आत्मा उस शरीर को धारण की है, परंतु मनुष्य को अपने को वह शरीर नहीं बल्कि उस शरीर में स्थित आत्मा के रूप में महसूस करना सीखना चाहिए, जो शरीर के सुख दुख से सदा सर्वदा निर्लिप्त है। यह शरीर तो पूर्व के जन्मों में किए कर्मों के फलों का ही निर्वाह कर रहा है। जो साधक अपने को शरीर के नहीं आत्मा के रूप में देखता है, वह इस शरीर के गुण दोषों से गुजरने पर भी सदा सर्वदा निर्लिप्त रहता है। मनुष्य को अपनी आत्मा को आकाश के समान ही समझना चाहिए। हमारे कर्म और उनके फलों से आत्मा उसी प्रकार अछूती है जैसे आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न पैदा होता है और नष्ट हो जाता है, और इस सब प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। इन सब के बावजूद भी आकाश इन सब से अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से आग, पानी, बादल सब क्षणिक और मिथ्या हैं। उसी प्रकार आत्मा भी आकाश के समान ही इस शरीर के कर्मों से सर्वदा स्वच्छंद है। जिस प्रकार जल का स्वभाव ही सबकी प्यास बुझाने का, और गंगा आदि तीर्थों के जल से तो लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव भी मृदुभाषी और सबके काम आने वाला होना चाहिए। हे राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर टेढ़ी सीधी और लंबी चौड़ी सी दिखाई देती है, परंतु वास्तव में वह अग्नि का रूप है ही नहीं, उसी प्रकार सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी ही माया से रचे इस कार्य कारण रूप संसार में भिन्न भिन्न जीवों और वस्तुओं से कोई संबंध ना होने पर भी उन्हीं के समान प्रतीत होने लगती है। अग्नि का गुण है कि उसे जो कुछ भी दो सब हजम कर लेती है।
और वह अपना पूरा भोजन ग्रहण कर कुछ भी संग्रह या परिग्रह नहीं करती। उसके साथ साथ वह जिस भी वस्तु को जलाती है उसके गुण दोष ग्रहण नहीं करती। उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संग्रह परिग्रह की चिंता से रहित हो, इंद्रियों को वश में रखे और किसी भी जीव के गुण दोषों को अपने पर हावी न होने देवे। सूर्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वह एक ऋतु में धरती से जल सोखता है, परंतु दूसरी ऋतु में जब मनुष्य को जल की आवश्यकता होती है तब वर्षा के रूप में जल वापस भी कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य का उद्देश्य प्रकृति से सब कुछ दोहन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा प्रकृति को वापस लौटाने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे कई पात्र में जल भर देने से सूर्य प्रत्येक पात्र में अलग अलग दिखाई देता है, परंतु ये एक मिथ्या है या कहें माया है। उसी प्रकार एक ही आत्मा अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रतीत होती है और यह कुछ और नहीं उसी माया के परिणाम स्वरूप है। हे राजन, अब मैं आपको एक कबूतर की कथा सुनाता हूँ जिससे मुझे भी शिक्षा मिलती है। एक जंगल में किसी पेड़ पर एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा घोंसला बनाकर बड़े प्रेम से रहता था। वे गृहस्थी में इतने आसक्त हो गए थे कि वे दोनों एक दूसरे को अपने से अलग नहीं समझते थे। एक साथ खाते पीते, प्रेम भरी बातें करते और खेलते थे। समय आने पर कबूतरी के पहला गर्भ हुआ और उसने अपने घोंसले में अंडे दिए। नियत समय पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चों का जन्म हुआ। अब कबूतर कबूतरी का समय अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लाड़ प्यार और गुटरगु सुनकर यूं ही कट जाता था। भरा पूरा परिवार होने से वे बहुत खुश थे। वे एक दूसरे के अचिंत प्रेम में डूबकर भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। एक दिन दोनों नरमादा अपने बच्चों के लिए चारा लेने जंगल तक गए थे। क्योंकि अब कुटुंब बढ़ गया था इसलिए चारा ढूंढने में भी अब समय अधिक लगता था। इतने में एक बहेलिया घूमता घामता उनके घोंसले तक आ पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। तभी उसने जाल डालकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी अपने बच्चों को चारा खिलाने के लिए प्रेम के आवेश में बहुत उत्सुक रहते थे। वापस आकर कबूतरी ने देखा कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हैं और भय के कारण चें चें कर चिल्ला रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देख कबूतरी को बहुत दुख हुआ। अपने बच्चों को जाल में फंसा देख उसे खुद की भी सुध-बुध ना रही। प्रेमवश वह स्वयं भी जाल में जाकर फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरी प्राण से प्यारी प्रियतमा और नन्हे नन्हे बच्चे भी बहेलिए के जाल में फंस गए हैं, तब वह अत्यंत दुख के कारण रोने लगा और सोचने लगा, हाय मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अभी तो हमने एक परिवार के रूप में चंद दिन ही गुजारे थे और न जाने कितनी इच्छाएं अभी पूरी करनी बाकी थी। इस बहेलिए के जाल में फंस कर मेरी पत्नी बच्चे मर जाएंगे, फिर इस संसार में मेरा क्या काम और यह जीवन में किसके लिए जीऊं? ये सब विचार कर कबूतर भी स्वयं जानबूझकर जाल में जा फंसा। वह बहेलिया बहुत क्रूर था। गृहस्थ आश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चे मिल जाने से वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह उन्हें लेकर चलता बना। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति घर गृहस्थी के टंटों में उलझकर शरीर के क्षणिक सुखों को पाकर इतना मदमस्त हो जाता है कि उसे माया से निर्मित यह शरीर और उसके सुख वास्तविक लगने लगते हैं, और जो परम सत्य है आत्मा, जिसके लिए यह शरीर एक वस्त्र के समान है और करोड़ों वर्षों से वह न जाने ऐसे कितने वस्त्र बदल चुकी है, उसके तत्व तक पहुंचने के लिए मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी मनुष्य अपनी गृहस्थी में फंसा हुआ है। वह सुख दुख के टंटों और जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी बाहर नहीं निकल सकता।